नमस्कार साथियों, इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.6 जो कि हमारे पास में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स इंटू साइन एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू आईलेट। हम आईलेट की हेल्प से हम इसमें फंक्शन फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। ठीक है, देखो आईलेट में इनवर्स, इसके अंदर कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है, दिस इज लॉग फंक्शन, कोई भी लॉग नहीं। देखो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ए एलजेब्रिक फंक्शन मींस एक्स, आपके पास में एक्स एक एलजेब्रिक फंक्शन है जो कि हमारे पास में एक्स है, इसको फर्स्ट मान लेंगे और बाकी को हम सेकंड मानेंगे। ये आपके पास में बन गया सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी आई ओवर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये लिखते हैं। फिर होल इंटीग्रेशन, इन दोनों का होल इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास में, एक्स, हम लिखेंगे एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स हमारे पास में, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन आता है, इसको वन लिखूंगा मैं, आप डायरेक्टली वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये है हमारे पास में। फिर बाहर डी एक्स लगाएंगे, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बनती है माइनस कॉस एक्स, आप बोलेंगे एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में वो माना जाएगा उस तरफ, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस ये वैल्यू बनेगी कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स की, क्या वैल्यू होती है साइन एक्स, हम लिखेंगे इसको माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर वन का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर टू एक्स साइन थ्री एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल साइन एक्स की जगह यहां पे साइन थ्री एक्स है हमारे पास में, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये अभी भी सेकंड फंक्शन बनेगा, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, हम लिखेंगे इसका, हमें पता है हम लिख लिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का एक साथ कंबाइन इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, फर्स्ट फंक्शन x लिखेंगे यहाँ पे, देखो x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, वैल्यू बनेगी वन, इसको लिखेंगे वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स और इसका हम एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स, लिखेंगे साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, इसका फैक्टर क्या है, एक्स का फैक्टर क्या है, एक्स का फैक्टर आपके पास में थ्री, हम उसको लिखेंगे एक्स एज इट इज माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन एक्स का कोफिशियंट थ्री, थ्री से डिवाइड करेंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल में सॉल्व करते हैं ऐसे ही इंटीग्रेशन में यदि हमारे पास में एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन आता है तो एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू बनेगी माइनस, आप लिखेंगे हम इज माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री डी एक्स, इसको लिखा जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री बाहर आ गया हमारा, ये वैल्यू बनेगी कॉस थ्री एक्स डी एक्स, इसका तो हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू बनेगी माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, अब हमें कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, हम इसको लिखेंगे साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, ये वैल्यू बनेगी और आप बोल सकते हैं साइन थ्री एक्स अपॉन नाइन वैल्यू बन जाएगी फाइनली आपके पास में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बन क्या आएगा ये, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास में,
एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स में इंटीग्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू आइलेट। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं फंक्शन, यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट, आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन देखो, ना तो इसमें कोई इनवर्स है ना लॉग है, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है हमारे पास में, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, हम इसको लिखेंगे यहां पे दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ओवर dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड dx, ये लिखा जाए। हमने फर्स्ट फंक्शन क्या माना है इसमें, फर्स्ट फंक्शन आपके पास में एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर आप देखो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, अगर इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू बनेगी 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, लिख सकते हैं यहाँ पे हम इसको डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर एक्स डी एक्स, और ये हमारे पास में बाहर dx, हमें इन दोनों का फिर से होल इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x इनटू इस टर्म का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x dx, टू बाहर लिख आएंगे वैल्यू बनेगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर x माइनस 2x इनटू e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन, क्या सॉल्व हो गया ये, नहीं, इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहां पे क्या मानेंगे देखो, अब आपके पास में ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, सुंदरता देखो, कैसे आपने एक्स स्क्वायर को एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन माना है इस डिफरेंशिएशन टर्म ने, आप देखोगे यहां पे ये जो आपके पास में ये जो टर्म आपके पास में है देखो, ये टर्म इस डिफरेंशिएशन ने इसकी पावर्स को कम कर दिया, और यहां पे क्यूब होगा, आप जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे आपके ये डिफरेंशिएशन इसको इसकी पावर्स को कम करता चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आपकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, और यहां पे एक्स क्यूब होता तो आपको दो बार और इंटीग्रेट करना पड़ता, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या बन के आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, हम इस यहां पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये एक छोटी सी चला है यहां पे आपके लिए, आप इसको यही सॉल्व ना करें, हमें जो फिर से सॉल्व करना है हम इसको आई मान लेते, आप इसको फिर देखो आप इसको फिर से आई मान लो, मतलब आप ये मानो कि ये जो टर्म आपके पास में है इस टर्म को आप आई कंसिडर कर लो, अब आपके पास में जो वैल्यू बन के आ रही है वो क्या बन के आएगी, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर, आप बोल सकते हो कि सर हम इन जनरल में आई इसको मानते आई इसको मानते, आप इसको आई वन मान लो, अब इसको आई वन मान लो, देखो अब जब हम इसको आई वन मान लेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कैसे, मतलब आपका जो इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा, ये वैल्यू बन के आएगी i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू आई वन, ये वैल्यू बन के आएगी, इस i1 के लिए आप अलग से सॉल्व कर लो, तो i1 क्या है आपके पास में, i1 की वैल्यू है आपके पास में इंटीग्रेशन x ई रेज टू पावर x dx, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अलग से, i1 इंटीग्रेशन x इनटू ई रेज टू पावर x dx, ये वैल्यू है आपके पास में, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, आप बोलेंगे आई वन की वैल्यू बनेगी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, आपके पास में ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन, ये लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। अब आपने आप देखोगे यहां पे स्टार्टिंग द क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से आपका कन्वर्ट हो गया एक्स, एक्स हो गया मतलब एक्स क्यूब होगा, हम इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे आपकी पावर कम होती चली जाएगी, अब हम यहां पे लिखेंगे आप आई वन बराबर फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस, आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन तो ये सेम वैल्यू आएगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स ओवर डी एक्स, वैल्यू बनेगी वन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स और देन डी एक्स, अब देखो आई वन की वैल्यू ये एक्स बनेगा ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन वन बनेगा, फिर होल इंटीग्रेशन कितना है
इसकी वैल्यू बनेगी ई रेज टू पावर एक्स, आप बोलोगे ई रेज टू वन इंटू ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर एक्स। अब आपका फाइनली आई वन की वैल्यू बनी एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। आप इस वैल्यू को उठाएंगे जाके यहां पुट करेंगे। मैंने क्यों आपसे बोला आप इसको अलग से सॉल्व करो, मुझे पता है आप माइनस टू की गलती करने वाले भाई। आप जितना सिंप्लीफाई अलग अलग सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस टू की गलती करने वाले हो। ठीक है, अब आप देखोगे हमारा जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, आई इज इक्वल टू ऐसे देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू आई वन, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू आई वन। और आपने आई वन की वैल्यू क्या निकाल रखी है, आई वन की वैल्यू निकाल रखी है हमने एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। हम इस वैल्यू को जाके इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास फाइनली आई की वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू, एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। देखेंगे आई की फाइनल वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आएगा प्लस प्लस एंड सी। इसको हम सी बोल सकते हैं फाइनली, कोई कॉन्स्टेंट बनेगा इसकी वैल्यू अभी भी सी, ये बनेगा आपका फाइनल। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। और अब बोलोगे जी बुक के अंदर मतलब एनसीईआरटी में ई की पावर एक्स को कॉमन ले रखा है, लिखा हुआ इसके अंदर ई रेज पावर एक्स हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऐसा आंसर दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। उनमें आप देखोगे यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के साथ में कितनी भी टर्म्स आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, तीन बार सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी इन बिटवीन क्वेश्चन में किसी सवाल के बीच में क्वेश्चन के बीच में आप यदि कुछ मान रहे हो उसको अलग से लेके चलो सॉल्व करो, फिर बाद में आप उसकी वैल्यू पुट करो। अब मानो आप यदि इसको यही सॉल्व करते हैं तो आप जरूर इस माइनस टू के फैक्टर की गलती कर रहे होते, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमारे पास में है एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू आई लेट, मान लेते हैं क्या क्या वैल्यू बनेगी, आई लेट इनवर्स फंक्शन नहीं है लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन है तो हमारे पास में ये फंक्शन बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे इसका हम, फॉर्मूला हमारे पास में है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन दोनों की जो वैल्यू बन के आती है उसका होल इंटीग्रेशन dx, इसका होल इंटीग्रेशन। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, लिख लेते हैं इसको log x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये log x का डिफरेंशिएशन हम इसको लिखेंगे d ओवर dx log x देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास में x, हम इसको लिखेंगे x dx और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। अब बोलेंगे इसको x, इसको लिखते हैं यहां पे x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और पावर कितनी है 1, हम लिखेंगे यहां पे इसको log x इनटू x 1 प्लस 1 अपॉन 2, मींस हम इसको सीधा ये लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। देखो अब इस x से ये x कैंसिल आउट कर देंगे, क्या वैल्यू बनेगी आपके पास में x बाई टू, टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ये, हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई टू। अच्छा आप बोलोगे आपने इसको पहले क्यों लिखा, एक्चुअली देखो ये लॉग का इनपुट है आर्गुमेंट है, तो सच्चा है कि इस एक्स को पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू हमने बाहर रख लिया, ये वैल्यू बनेगी एक्स डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वहां पर देखो वैल्यू बन के आई पूरे फंक्शन की एक्स स्क्वायर
log x by 2 minus 1 by 2, इसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास में x square by 2 plus c, 2 into 4 हो गया। अब आपके पास में जो आंसर बन के आएगा वो ये बन के आएगा फाइनल आंसर x square log x by x upon 2 minus x square by 4 plus c, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इनको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में x log 2x, सेम क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। सो x log 2x इंटीग्रेशन करना है हमें, क्या मानेंगे यहां पे, log हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे, उसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन, ये लिखा जाएगा। लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन हमने क्या मान लिया लॉग 2x, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं लॉग 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है log 2x, इसका डिफरेंशिएशन हम लिखे, इसको लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेशन, दिस इज d ओवर dx log 2x, साथ में करेंगे इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, x dx इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो log 2x का इंटीग्रेशन, log 2x का इंटीग्रेशन 1/2x इनटू 2, लिख लेते हैं इसको, ये वैल्यू बनेगी log 2x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये साइन है, इसका डिफरेंशिएशन आप देखो, इस डिफरेंशिएशन का मतलब है 1/2x इनटू 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल, 1/2x इनटू 2, 2 क्यों, क्योंकि आपके पास में जो आर्गुमेंट है वो 2x है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम इसको 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जो कि वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई इनटू इस इंटीग्रेशन ऑफ x x का x स्क्वायर बाय 2 dx। अब देखेंगे यहां पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास में, लिखेंगे हम x स्क्वायर इनटू log 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 में बाहर रख लिया, ये बचा हुआ हमारे पास में x dx, ये बचेगा, ये बचेगा 1 वैल्यू, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इसको लिखेंगे यहां पे x स्क्वायर log 2x बाय 2 माइनस, इसकी वैल्यू बनेगी x स्क्वायर बाय 2 1/2 इनटू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और फाइनली ये वैल्यू बनेगी माइनस x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो इसका ये आंसर बन के आएगा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू बन के आएगी x स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है x स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x। अब देखो हम फिर से इसमें क्या मानेंगे, फिर से x dx, मतलब हम इसके लिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानेंगे, वैल्यू बनेगी i d, देखिए log ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, हम इसको फिर से लिखेंगे, मैं बार बार फॉर्मूला से लिखता हूं आपको याद रहे, आप भी इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे आप फॉर्मूले को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन, ये वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन क्या है log x, log x, सेकंड फंक्शन क्या है x स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस फर्स्ट फंक्शन log x डिफरेंशिएशन ऑफ log x d ओवर dx
log x into second function का integration x square dx and dx, ये check करना है, ठीक है, x square का integration x 2 plus 1 upon 3m को लिखेंगे यहाँ पे, log x into x power 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus, आप ना जितने स्टेप बहुत आराम से सोच सोच के लिखेंगे, कोई स्टेप बीच में खाएंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आप बोलेंगे x क्यूब अपॉन 3 dx, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में log x, log x इंटू ये वैल्यू बनेगी x क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब देखेंगे यहां पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर x स्क्वायर, बोलेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 3 dx को हम आके लिख लेते हैं, log x इंटू x क्यूब बाई 3 log x, log x इसको पहले लिख लेते हैं यहां पे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3 बाहर ले लिया हमने, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 वैल्यू बनी हमारे पास में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू ये वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये वैल्यू बन गया हमारे पास में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, ये बन के आएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 एंड माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, ठीक है, थैंक यू सो मच।